शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जादू टोना कहीं और जाकर करिए, हमारे ऊपर नहीं। जादू टोना नहीं कर रहे थे। और अगर जादू टोना नहीं कर रहे थे तो आप यहाँ पर क्यों आती है बार बार, ये बताइए हमें। इस तरह से जुबान आप जैसे चोरों की बंद होती है, समझे आप? हमारी जुबानी तो सब कुछ है। अच्छा कह दिया तो अर्श पर और बुरा कह दिया तो फर्श पर। अब देखते हैं हमारी जुबान क्या कहती है आज के बाद। तुम ऐसे लोगों को क्या श्राप देना जो पहले से ही अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उर्वशी, माफी मांगिए इनसे। माना कि ये छूटी खमंडी और बड़बोली है, पर इस वक्त ये सही है और आप गलत। और हमें कोई हक नहीं है किसी की मां का अपमान करने का, इसलिए माफी मांगिए इनसे। माँ, आप देख रही हैं? गौरव मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या गलत कहा है उर्वशी, ठीक ही तो कह रहा है गौरव। हम भी एक माँ हैं और हम किसी और माँ की बेइज्जती होते नहीं देख सकते। बेटा, ये लोग कैसे भी हों, लेकिन हमें एक बात भूलना नहीं चाहिए कि ये लोगों ने हमें इस घर में रहने की जगह दी है। मान न कर सको तो अपमान भी मत करो। हमें लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। श्रेया का कहा सही हो सकता है, कहीं गायत्री की माँ वो शक्ति तो नहीं जो मेरे वशीकरण के बीच में आ रही है। अभी पता चल जाएगा। माफ कर दीजिए मुझे। कोई इंडिकेशन नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये क्या, जैसे दुर्गा माँ का दिया नींबू काला हुआ था वैसे ही उर्वशी के हाथ काले? इसका मतलब गौरव को मुझसे दूर करने के लिए वशीकरण उर्वशी कर रही है। दुर्गा माँ को बताने से पहले हमें पूरी तरह से पहले सब पता लगाना होगा। अंगूठी में इंडिकेशन तब मिली जब मैं इन दोनों की तरफ मुड़ी थी। गायत्री की माँ नहीं तो क्या गायत्री मेरे और गौरव के बीच में आ रही है? पर क्यों? मुझे ये पता लगाना होगा। एक काम तो सुहाग की निशानी सिंदूर ने कर दिया था, अब दूसरा काम ये करेगा। सच जानने में मेरी मदद करना दुर्गा माँ। Thank you.
ये कैसे हो सकता है? गौरव के प्यार के लिए हमको मार डाला। तुम तो शादीशुदा हो नहीं, तो फिर ये सिंदूर किस आशिक के नाम का लगाया है? इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। गौरव पर वशीकरण उर्वशी करवा रही है। दुर्गा माँ, उर्वशी ने उस आत्मा को कैद रखा है और वहीं से वो गौरव पर वशीकरण कर रही है। उसके सिवा कोई और हो ही नहीं सकती थी। बेटा, तुम उस रिश्ते को पाना चाहती हो जो तुमसे दूर हुआ, पर उर्वशी उस रिश्ते को हासिल करना चाहती है जो उसके हाथ की लकीरों में लिखी नहीं है। मुझे तो पहले ही दिन से उस पर शक था, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। दुर्गा माँ, हम उर्वशी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। हमें लगा कि हम उसकी जिंदगी से चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सुधर जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने साथ साथ यहाँ पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद करने बैठी। इस निर्दोष औरत को उसने मार दिया, वो भी क्यों? अपने इस काले जादू के लिए? गौरव के लिए पागलपन पता था हमें उर्वशी का, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक खूनी बन जाएगी। दुर्गा माँ, हो सकता है कि उर्वशी ने हमें खाई से धक्का दिया हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये बात सच है तो हम सबको ये बात साबित करेंगे और उर्वशी को उसकी सजा भी दिलवाएंगे। पर ये आसान नहीं होगा। उर्वशी अब तांत्रिक बन चुकी है। उसके मकसद के बीच आए लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकती है। वो तो तुम्हारी जान भी ले सकती है। का अपमान करना हमारे संस्कारों में नहीं है। गलती हो गई हमसे। हमने आपको भला बुरा कहा, आप शायद हमें सजा दे सकती हैं। और सच तो यह है कि आजकल हम अपने होशो आवास में नहीं रहते। हमें नहीं पता कैसे, पर आजकल हम वो सब भी कर जाते हैं जो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करते हैं। हमारा भरोसा कीजिए, हम ऐसे हैं नहीं। हमें माफ कर दीजिए। बेबसी की माफी नहीं, उसकी मजबूरी सुनी जाती है। और हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो तो भला हो मेरी बच्ची गायत्री का, जिसने हमें तुम्हें बदवा देने से रोक लिया, वरना हमेशा के लिए खुद से शिकायत रहती। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी माताजी को अपशब्द कहे। और सच में आजकल हम अपने बस कर दुर्गा माँ, देखा आपने? बेटा, उर्वशी का वशीकरण आखिरी चरण में है। अगली पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है। उसके पहले उर्वशी की शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना होगा, नहीं तो गौरव हमेशा के लिए उर्वशी का हो जाएगा, जिसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो तब होगा ना, जब आपकी सावित्री अपने सत्यवान को बचा ना सके। हर औरत अपने पति को बचाने के लिए परमात्मा से भी लड़ जाते हैं, तो ये उर्वशी, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तांत्रिक है। मौत को हराकर तुम परमात्मा से भी तो जीत चुकी हो। बस अब उर्वशी से जीतना है।
अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले पता लगाना होगा कि उर्वशी ने उस आत्मा को किस चीज में कैद कर रखा है। उस चीज के अवशेष को गंगा जी में प्रवाहित करना है, तब जाके आजादी मिलेगी गौरव को। मैं पता लगाऊंगी। अब पाप की अति हो चुकी है तो उसकी गति तो करनी ही होगी। ये मौली तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। बस इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना है, जब तक ये काम नहीं हो जाता तुम्हें उर्वशी के हाथ से कुछ नहीं खाना है, गलती से भी नहीं। समझ गई? हम समझ गए। लेकिन दुर्गा माँ, अब आप यहाँ से जाइए। हम नहीं चाहते कि किसी को भी अब हम पर शक हो। और जिस दिन हमें उस आत्मा का पता चल जाएगा, हम खुद आपको फोन करके बुला लेंगे। विजय भवा। चंद्र ग्रहण के दिन आत्मा को भोग चढ़ाना होगा और उसके बाद वो आत्मा हो जाएगी अजेय, अमर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भोग की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। गौरव, क्या हुआ? बोलो। सर का दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रोशि हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं। मेरा मतलब डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि तुम्हारा सर इसीलिए हो रहा है दर्द क्योंकि बिजनेस को लेके ना तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, और डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो बहुत सारी दवाई दे देगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारी डॉक्टर सिर्फ मैं हूं, मर्ज भी मेरा और मरीज भी मेरा। इंसान हो गौरव, और अच्छे इंसान के साथ मैं अच्छे से ही बिहेव करती हूं। और ये तुम्हारा सर दर्द कोई फालतू मसाज से नहीं जाएगा, दवाई से ठीक होगा। इसे ले लो, होम्योपैथी की दवाई है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। होम्योपैथी लवपैथी से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मेरा प्यार ही गौरव के लिए दवाई है। बताओ गौरव, दर्द है? नहीं।
बस कुछ दिन और गौरव, पूर्णिमा की रात उर्वशी के काले जादू की आखिरी रात होगी। बहुत जल्द तुम पर से इसका वशीकरण मैं तोड़ कर रहूंगी। बस पूर्णिमा की रात तक रुको गौरव, वशीकरण पूरा हो जाएगा तो तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। आपके पैसे जल्दी वापस कर देंगे, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। क्या हालत हो गई पापा, भीख मांग रहे हो तब भी कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। रोनी, तुम्हारे पापा के साथ तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। क्या गलत कह रहे रोनी, पापा ने भी कसर छोड़ी है हमारी बर्बादी में। आज तक बिजनेस खोल के दे दिया हमको। मैं तो कहूंगा ऐसे इंसान का यही हाल होना था। श्लोक, एक लफ्ज नहीं मुंह से, चुप रहो तुम दोनों प्लीज। क्यों चुप हो जाऊं? आज तक इस इंसान ने हमें अपनी एक कमाई नहीं दी, ना इस इंसान से कोई इंसान कमाया गया, और आज लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा पैसों के लिए, और हम सब लोग उस औरत के टुकड़ों में पड़ रहे हैं। समाज में हमारी थू हो रही है। इस इंसान ने हमारी ये औकात बना दी है। औकात विरासत में नहीं मिलती। औकात बनाई जाती है। जिन माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम उन्हें ही कोस रहे हो। तुमने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब जिंदगी भर तुम्हें खिलाने का ठेका थोड़ी लिया है इन्होंने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किस बात की शर्म आनी चाहिए हमें? इन लोगों ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है तो वो हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर तुम बाहर किसी देश में होते ना, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें थक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते। वह 18 साल होने के बाद माँ बाप घर में रहने का भी किराया लेते हैं। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे ऐसे माँ बाप हैं जो आज भी तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। तुम्हारा ये जो ज्ञान है ना, तुम्हारे पास ही रखो, और तुम्हारी सलाह की जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, उसके में कोई बात नहीं सुननी है। आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। सब पैसे के लिए किसी को फोन मत करना प्लीज। एंजल इन्वेस्टर वालों को तुमने मना कर दिया, पापा से भी पैसे लेने के लिए मना कर रहा हूं, तो बिजनेस के लिए पैसे देगा कौन? मैं। मेरा ऑफर अभी भी ओपन है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पैसे देकर मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, या तुम सब पर अपनी हुकूमत चलाना चाहती हो? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, कोई किचन में रहने वाली हाउसवाइफ नहीं। तो दो को दो चार नहीं, पांच देखती हूँ मैं। तुम्हें कंपनी के शेयर्स नहीं देने ना, कोई बात नहीं, छोड़ो ये प्रपोजल, रहने देते हैं। रख लो तुम शेयर्स, अपनी कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, लेकिन कंपनी के शेयर्स में 60% प्रॉफिट मेरा। पांच करोड़ की लोन है ना, तो उस हिसाब से 60% तो हाँ 2.5 करोड़ मेरे। 10,000 का 10% हो गया 5,000। नहीं, एक मिनट, 8,000। रुको, फिर से कैलकुलेट करके देखती हूँ सही है या नहीं। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट जोकिंग। हमारी डील के टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही हूँ तुम्हें, जो कि आप सबके फायदे के लिए ही है। एटलीस्ट ये पैसों की मारामारी तो नहीं हो गई थी। हम भी क्या सोच रहे थे, ये सिर्फ गहना की हम शक्ल है, गहना नहीं। ऐसे बात करने वाली लड़की हमारी गहना हो ही नहीं सकती। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई, आवाज चली गई? बताओ, मंजूर है? आप डील करने चलिए, और आपको हिसाब किताब भी नहीं आता। 5 करोड़ का 60% 3 करोड़ रुपए होता है। <laughs>
बिल्कुल सही किया है हमने। तुम पर भरोसा करके हमारा डिसीजन एकदम राइट है। ये 2.5 करोड़, ये रकम तो हमने जानबूझकर गलत कही थी तुम्हें टेस्ट करने के लिए। स्मार्ट हो तुम, बाकियों की तरफ बेवकूफ नहीं। एनीवेज, ये फाइल में 5 करोड़ का चेक है जो हम तुम्हें देने जा रहे हैं। तुम किसी को पैसे दे रही हो और सामने वाला पैसे लेने से मना कर रहा है, इससे तुम्हारा लेवल पता चलता है। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, और हाँ, हमारे घर वालों को आज के बाद बेवकूफ मत कहना। पैसे वही इंसान नहीं लेता जिसका पैसे लौटाने का कोई लेवल ना हो। तुम अपनी कमजोरी छुपाने वालों में से हो, चैलेंज एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं। हाँ, हो सकता है कि बिजनेस में हमारी थोड़ी कैलकुलेशंस ऊपर नीचे हो, लेकिन तुम तो बिजनेस का ABCD भी नहीं जानते। अगर तुम मेरी कंपनी को थोड़ा सा भी प्रॉफिट देने का कॉन्फिडेंस होता ना, तो यूं तुम ये पेपर साइन कर लेते और ये चेक भी लेते। लेकिन नहीं है तुमने वो बात। आज तो हम उस आत्मा को ढूंढ कर ही रहेंगे। बेटा, आत्मा किसी छोटी से लेकर बड़ी चीज में हो सकती है, जैसे मोती या फिर कोई बोतल, जिसमें भी है हमारा ये अस्त्र उसे ढूंढ ही लेगा। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।